तो जिस जॉब के लिए किया था आपने अप्लाई, उसके लिए मिला है आपको इनविटेशन एक इंटरव्यू का। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर ठहरिए, अगर आपको बूस्ट करने हैं अपने चांसेस इस इंटरव्यू को क्रैक करने के, तो इन चार इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स को सुने बिना ये इंटरव्यू मत लीजिए। हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू ब्लूम एंड इवॉल्व। मैं हूं अभिषेक एंड आप आ चुके हैं बिल्कुल सही चैनल पर, जहां हम आपको साथ लेकर चलते हैं 360 डिग्री सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर। यहां हम सीखते हैं कि खुद के 2.0 वर्जन को या एक बेहतर, एक इवॉल्व वर्जन को कैसे अनलॉक किया जाए बहुत ही इजी स्टेप्स को यूज करके। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जर्नी में आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं एक सीरीज जिसको नाम दे रहे हैं इंटरव्यू निंजा का। पर वो क्यों? देखिए, निंजास होते थे जापानीज फाइटर्स जो मास्टर्स होते थे दो चीजों के, स्टेल्थ एंड स्ट्रेटजी। स्टेल्थ कहते हैं सीक्रेट या छुपे हुए तौर पर कोई किया जाने वाला काम, और स्ट्रेटजी होती है रणनीति। इसीलिए हम इस सीरीज को इंटरव्यू निंजास कह रहे हैं, क्योंकि यहां आप सीखेंगे इंटरव्यूज को क्रैक करने की वो सीक्रेट स्ट्रेटजीज जिनको 90% ऑफ द कैंडिडेट्स फॉलो नहीं करते या इन मोस्ट केसेस जानते ही नहीं है। मेरे रिक्रूटमेंट के 14 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने खुद और अपनी टीम्स के साथ मिलकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हजारों कैंडिडेट्स को प्लेस कराया है, और उसके बाद ये 14 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको कुछ ही वीडियोस में मैं देने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब रहें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल वीडियोस पर ऑन करके रखें। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जान लेते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको क्या करना है और कौन सी वो चार स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आज हम सीखकर चलने वाले हैं इंटरव्यू निंजा बनने की जर्नी पर। थर्ड स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनल फेवरेट है, आई होप आपको भी वो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, एक्सप्लोर द रोल। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ जॉब डिस्क्रिप्शन तो देख ही लिया है, इसमें क्या बड़ी बात है? वेल, यहाँ ज्यादातर कैंडिडेट्स गलती कर बैठते हैं। मैं आपको आज हायरिंग का एक ऐसा इनसाइट सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपको सरप्राइज कर देगा। सारे केसेस में तो नहीं, पर ज्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शंस एक टेम्पलेट पर बेस्ड होते हैं जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी सेट होता है। अब कुछ माइन्यूट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द जॉब चेंज कर दी जाती है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या हुआ? देखिए, जरूरी नहीं कि जो कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा है वही सब रिक्वायर्ड हो। कई बार ये कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो एक कैंडिडेट में ढूंढ भी नहीं रहे हैं, और कई बार कुछ वो इंपॉर्टेंट चीजें लिखना ही मिस कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम जल्दी ही जानेंगे टिप नंबर 3 में। पर जहां तक बात जॉब डिस्क्रिप्शन की है, सबसे पहले तो इसको आप पूरा पढ़िए, जरूरत पड़े तो दो बार पढ़िए। रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड स्किल्स को तो स्पेशली समझिए, और वहीं से अपने करियर एक्सपीरियंस की स्टोरी लाइन तैयार कीजिए। आपने सही सुना, आपको वहां अपने करियर का स्नैपशॉट देना है इन अ फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी, जहां आप इंटरव्यूअर को बता रहे हैं अपनी जर्नी की कहानी, जिसमें आप हैं मेन कैरेक्टर एंड बाकी सारी चीजें और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप एक स्टोरी के रूप में उन्हें बताने वाले हैं। इससे इंटरव्यूअर आपके एक्सपीरियंस से बेटर रिलेट कर पाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को क्लोजली पढ़ने से आप ये भी जानते हैं कि आप कहां परफेक्टली फिट होते हैं, जिसको आप अपनी स्टोरी में स्ट्रेंथ्स के रूप में बताएंगे, और कहां आप लैक कर रहे हैं, जिसको आप अपने लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। टिप नंबर 2, इंटेलिजेंट रिसर्च। तो जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में करनी है आपको इंटेलिजेंट रिसर्च। अब ये एक सिंपल साउंडिंग येट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। यहां आपको रिसर्च करना है कंपनी का मिशन, विजन, वैल्यूज, क्लाइंट बेस, रीसेंट सक्सेस हाइलाइट्स, रेवेन्यू डिटेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट आर वर्थ देयर सॉल्ट, ये सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट या ऑफिशियल लिंक्डइन और दूसरे सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर करते हैं। अब इसको आपको पढ़े बिना इंटरव्यू नहीं देना है। अगर बाय चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आपके इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया जिसमें आप इस कंपनी के बारे में कुछ बता पाए, तो वो बेहद इंप्रेसिव लगता है, और इंटरव्यूअर को आपकी इस जॉब और कंपनी में सीरियसनेस नजर आती है। सो मेक श्योर यू नेवर मिस दिस। अब नंबर 3 और मेरी पर्सनल फेवरेट, टू यूज योर रिक्रूटर। कंपनीज जो थोड़ी सी भी सीरियस हैं अपने काम में, वो जनरली अपनी हायरिंग या तो किसी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी से या अपने ही इन हाउस रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन फंक्शन के थ्रू कराती हैं, और दोनों ही केसेस में एक रिक्रूटर हर रोल की हायरिंग पर असाइन किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि आपको जॉब्स के लिए यूजली रिक्रूटर्स ही कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको उस रोल के बारे में बताते हैं और हजार सवाल आपसे भी पूछते हैं। अब यही रिक्रूटर आपका इंटरव्यू सेटअप करते हैं हायरिंग मैनेजर्स के साथ। पर क्या आपने कभी सोचा कि इन रिक्रूटर्स के पास एक ऐसी सुपर पावर भी हो सकती है जिसको आप यूज करना मिस कर जाते हैं? जी हाँ, ये वो हुक्म का इक्का होता है जो आपको पता भी नहीं होता। तो सवाल ये है कि इसको कैसे यूज करना है।
देखिए, पहले समझिए कि एक रिक्रूटर का काम है एक ओपन जॉब रोल के लिए कैंडिडेट्स ढूंढना, उनकी क्वालिफिकेशंस को चेक करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इस जॉब को फिल करना, और इसी बात की सैलरी एंड इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं। तो अगर आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो ये रिक्रूटर अंडर रीजनेबल बाउंड्रीज वो सब कुछ करेगा जिससे आपको ये जॉब मिल सके। तो टिप नंबर 2 में जो भी हमने डिस्कस किया वो और बहुत और इन्फॉर्मेशन आप इस रिक्रूटर से ले सकते हैं। यही नहीं, आपको इनसे पूछने हैं कई और क्वेश्चंस, जैसे क्यों ये जॉब ओपन हुई है, क्या ये एक बैकफिल है, मतलब क्या इस पे कोई पहले काम कर चुका है, या फिर एक नई पोजीशन है। अगर कोई ऑलरेडी इस रोल पर काम कर चुका है तो उसने ये जॉब क्यों छोड़ी, कौन है इस पोजीशन पर इंटरव्यूअर्स, कौन है इसका हायरिंग मैनेजर, और क्या ये रिक्रूटर उनके इंटरव्यू प्रेफरेंसेस या स्टाइल्स के बारे में आपको कुछ बता सकते हैं, क्या इस कंपनी के कल्चर के बारे में आपसे ये रिक्रूटर कुछ शेयर कर सकता है, और इसी तरह के कई सवालों को आपको इनसे पूछना है। जब आपके पास होंगे ये सारे नॉलेज तो आप ये जान चुके होंगे कि आपके लिए ये जॉब और कंपनी सही भी है या नहीं, एंड ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेटर प्रिपेयर करने में हेल्प तो करेगी। और लास्ट टिप है प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर्स। देखिए, मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि किसी इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को क्वेश्चंस पूछने का मौका ही नहीं दिया गया हो। मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा, और ये वो लास्ट चांस होगा आपको अपना एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने का। यहाँ आपको पूछने हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अब ज्यादातर लोग कर देते हैं यहाँ एक बहुत बड़ी गलती इस मौके को छोड़कर, या ये कहकर कि उनके पास कोई क्वेश्चंस नहीं, या फिर वही घिसे पिटे सवाल जो हमने टिप नंबर 2 में जाने थे। यहाँ पर पूछिए ऐसे क्वेश्चंस जिससे कि इंटरव्यूअर को लगे कि आपकी रिसर्च सॉलिड है और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में। फॉर एग्जांपल, आप पूछ सकते हैं कि किन पैरामीटर्स पर आपके बॉस का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, और अगर आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो कैसे आप अपने बॉस को हेल्प कर सकते हैं उसके गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने में। सिमिलरली, आप ये पूछ सकते हैं कि कंपनी का इस साल का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है, और कैसे आपका रोल या आपका फंक्शन एज अ होल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उस गोल अचीवमेंट में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो डिपेंडिंग ऑन द जॉब यू आर इंटरव्यूइंग फॉर आप कस्टमाइज करके पूछ सकते हैं अपने इंटरव्यूअर से। याद रखिए, अगर आपने अपने इंटरव्यूअर से पूछने के लिए कोई क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करे तो आप सीधा सीधा उन्हें ये बता रहे हैं कि आपको इस रोल में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है या आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और दोनों ही केसेस में आप उनको इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आज आपने सीखी 4 क्विक इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स जो आपको एक इंटरव्यू निंजा बनने में और इंटरव्यूज को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। अब ऐसे ही कुछ और इफेक्टिव टिप्स को लेकर मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर आज आपने ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर किसी वजह से नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये लर्निंग हेल्प कर सकती है तो उनसे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु डू गुड टू अदर्स। लास्टली, आज के इस वीडियो से रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई और इफेक्टिव इंटरव्यू टिप्स आप कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें तो फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स बिलो एंड मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप आज आपने फिर कुछ नया सीखा होगा और इस लर्निंग को अप्लाई करके यू विल अनलॉक द 2.0। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ब्लूम एंड इवॉल्व।